यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ लीक। हम आपको बता दें, दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा 24 जिलों की रद्द की गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया, बाकी 51 जिलों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बलिया जनपद से पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। आज बुधवार को द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 5:15 तक पाली प्रस्तावित थी, जिसमें 24 जिलों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे के अनुसार इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ED व 316 EI के प्रश्न पत्र के प्रकटन की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए इस परीक्षा को रद्द किया गया है, जिनमें 24 जनपदों में होने वाली इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। जहां इस सीरीज के प्रश्न भेजे गए थे, उन सभी जनपदों की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर, गोरखपुर शामिल हैं। हम आपको बता दें, 24 जनपदों में छात्रों को पेपर लीक होने की जैसे सूचना मिली, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में दोपहर द्वितीय पाली की होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई। परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों ने कहा, काफ़ी अच्छी तैयारी करने के बाद पेपर देने आए थे, परंतु परीक्षा नहीं हुई। इसके खिलाफ कई विद्यालयों में छात्र छात्राओं के द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।